हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे झारखंड के एक ऐसा क्रांतिकारी। आप तो जानते हैं कि भारत के क्रांतिकारी का नाम लेंगे तो आप भगत सिंह का नाम लीजिएगा, आप सुभाष चंद्र बोस का नाम लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आज एक झारखंड के ऐसे क्रांतिकारी का नाम बोलेंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो हमारे क्रांति के नहीं थे, वो हमारे राजकीय स्तर पर थे, हमारे क्षेत्रीय स्तर पर थे। तो झारखंड के सही वालों सबको जानेंगे उस क्रांतिकारी का, और झारखंड के बाहर के लोग उन्हें नहीं भी जानेंगे, पर उनके जीवनी के बारे जानते हैं, उनके बायोग्राफी के बारे जानते हैं, उन्हें किस तरह से काम किया हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, समाज के हित के लिए। आप लोगों को बता देना चाहते हैं उन्हें गरीबों की मसीहा कहा जाता है। क्यों उन्हें गरीबों की मसीहा कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। उनका जीवन किस तरह चला, उनका परिवार कैसा था, किस तरह से अपना कदम राजनीति में रखे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन को खोया अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए। तो बात करता हूँ निर्मल दा के बारे में। आप लोगों को बता दें उनका नाम था शहीद निर्मल माता के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं, और हम लोग इसे प्यार से निर्मल दा भी बोलते हैं। हम लोग बांग्ला में बोलते हैं निर्मल, जिसको हम दादा बोलते हैं उसको दा बोलते हैं। निर्मल दा के नाम से हम उसको जानते हैं कि निर्मल दा, या फिर शहीद निर्मल माता बोले भाई, निर्मल माता उनका नाम था। उनका पिताजी का नाम था जगबंधु महतो और माता का नाम था प्रियावाला महतो। ठीक है, उनका पिताजी का नाम जगबंधु महतो, उनका माता का नाम था प्रियावाला महतो, और वो लोग थे। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि झारखंड में पहले यह नियम नहीं था आप लोगों के भारत में कि हम दो हमारे दो, ये वजह था कि वो लोग उस वक्त 8 भाई थे और 1 बहन थी। 8 भाई और 1 बहन में से वो थे दूसरा भाई, और उनका परिवार में लगभग अभी कोई एक भाई है, बाकी सबको ख़त्म हो गए, सबको अपने इस दुनिया से देह को छोड़ के चले गए हैं। और उनको देखते हैं उनका भी एक दो भाई क्रांतिकारी में है और लोगों के हित में काम करने लगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पर उनका जीवन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीवनी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनका जो बचपना बीता, वो उनका जन्म हुआ था हमारे झारखंड का एक ज़िला पूर्वी सिंहभूम, जो उस वक्त बिहार प्रांत में आता था, पूर्वी सिंहभूम का उलियान गाँव में उनका जन्म हुआ था। और उनका जब बचपन का जब पढ़ाई हुआ वो जमशेदपुर से हुआ, उस स्कूल का नाम था टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल। से उन्होंने मैट्रिक लिखी और मैट्रिक का तो वहीं से वो इंटर भी किए, उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ग्रेजुएशन का पढ़ाई किए। आप लोगों को ये बता देना चाहते थे, अगर वो चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए और अपने लिए अपना परिवार के लिए अगर पढ़ाई करते तो उन्होंने पढ़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त ग्रेजुएशन करना कोई कम नहीं था। और उस वक्त ग्रेजुएशन के अंदर हम वो एक टीचर के पद में आ जाते, और उनका एक शौक था टीचर, क्योंकि वो जब पढ़ाई करते थे तो खुद भी वो बच्चा लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे, और ट्यूशन से जो पैसा आता था उसी से खुद का भी पेट चलाते थे और अपना परिवार का, और उसी के साथ साथ लोगों के हित के लिए भी काम करते थे, और समाज सेवा भी बहुत बड़े थे। बचपन से उनमें एक गुण था कि वो सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, और लोगों को लेके चलने का उनका एक गुण था जो वो बचपन से ही था। बाद में उनको बता दे रहे हैं कि किसी कारणवश जब वो ग्रेजुएशन किए उसके बाद उनके ऊपर एक आक्रमण किया गया, उनके ऊपर एक हमला किया गया, जिस वजह से उनको पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा, और इसी गुस्सा से वह झारखंड आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद धीरे धीरे वह झारखंड के जो युवा लोग हैं, युवा मोर्चा को संभालें, उसके बाद झारखंड पार्टी में शामिल हो गए। और झारखंड पार्टी उस वक्त का था कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए भी वो पार्टी था, और उस वक्त झारखंड में 2 पार्टी था, एक था आपका झारखंड पार्टी, उसके बाद था आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो वो सबसे पहले झारखंड पार्टी में चले गए, और धीरे धीरे झारखंड पार्टी क्या हुआ, वो उनका जो कमजोर होने लगा, और वह शैलेंद्र महतो जी का निर्णय, शैलेंद्र महतो जी का दिशा निर्देश से वो विधिपूर्वक, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि मन किया तो चले गए, विधिपूर्वक वो JMA में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। जब वह 15 दिसंबर 1980 को JMA में चले जाते हैं, उसके बाद उस पार्टी में जो और भी जो बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने देखा कि जो निर्मल महतो जी का जुझारूपन था पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति जो भलाई के काम था उनको देखते हुए, उन्हें सबसे पहले उन्हें जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद एक केंद्रीय अधिवेशन होता है, और केंद्रीय अधिवेशन में पहली बार उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके बाद वह 1984 में रांची लोकसभा से, उसके बाद 1985 में इंचागढ़ विधानसभा से वोट लड़ते हैं, रांची लोकसभा से भी और इंचागढ़ विधानसभा से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी उन्हें, क्योंकि पार्टी के और सदस्य का विश्वास था, निर्मल महतो के ऊपर विश्वास था, जिस वजह से दूसरी बार जब केंद्रीय अधिवेशन हुआ उसके बाद भी उन्हें
अध्यक्ष के पद पर रखा गया, अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद उन्होंने लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए काम करने लगे, लोगों को एकजुट करने लगे और अलग अलग जाकर लोगों को जागरूक करने लगे। और यह जो आंदोलन था एक भीषण स्थिति पर पहुंच गया था कि उग्र रूप धारण कर चुका था, लेकिन भगवान का प्रकोप देखिए, जब समय हम लोग जानते हैं कि बदलते रहता है। 1982 में हमारे झारखंड में एक भयानक, या फिर बोलेंगे कि भयानक भूखमरी आती है, जिस वजह से हमारे जो आंदोलन अलग मुख मोड़ लेता है। कल इतना बड़ा था कि हमारे यहाँ भूखमरी का समस्या हो गया था, और भूखमरी समस्या का सबसे बड़ा कारण था यहाँ के जो सरकार थी, सरकार और यहाँ के जो सुदखर लोग थे और यहाँ पे जो जमाखरी लोग थे, इन्हीं के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, भूखमरी के पैदा हुआ। क्योंकि खबर के मुताबिक यह पता चला था कि उस वक्त यहाँ पे अनाज था, और वो अनाज में क्या था, अनाज था जिससे हम लोग के यहाँ भुखमरी नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ का सरकार चाहता था कि यहाँ पे भुखमरी हो, क्योंकि उन्हें यह पता था अगर इन्हें अगर खाने को देंगे तो आंदोलन करेंगे, अगर खाने का ही नहीं देंगे तो आंदोलन कहाँ से करेंगे। बात तो सही है, पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। 21 अक्टूबर 1982 को अकाल राहत डैम सुवर्णरेखा नदी पे बनाया जाता है, जो चांडिल डैम जो हम लोग बोलते हैं सुवर्णरेखा नदी पे बना है, वो अकाल राहत के लिए बनाया जा रहा था। डैम जब बनेगा तो डैम के जो ऊपर साइड में जो लोग हैं, जो घर है, जो गांव है, उन लोगों का तो क्या होगा, विस्थापन होना होगा। तो विस्थापन उन लोगों का जो पुनर्वास, यानी उनको लिए वहाँ के बदले अलग जगह घर बनाने के लिए तो घर चाहिए, उसके लिए पैसा और नौकरी। और 21 सूत्र मांग के लेकर हमारे इस क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोग, जो विस्थापित लोग क्या किए, वहाँ पे तिरुल्ली थाना में, तिरुल्ली प्रखंड में जाके धरना प्रदर्शन किए। उसी धरना में पुलिस आवेश में आकर वहाँ पे गोलीबारी करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से हमारे उस क्षेत्र के दो युवा, दो छात्र अजीत और धनंजय का देहांत हो जाता है, दोनों का हत्या हो जाता है। और उस हत्या के बाद हमारे राज्य में उग्र रूप धारण कर चुका युवाओं का संगठन, और यही वजह है कि आज हमारा राज्य झारखंड क्या हुआ, 15 नवंबर 2020 को अलग हुआ। उन दोनों छात्रों के मृत्यु के बाद ही ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हुआ, और ये आंदोलन निर्मल महतो जी के नेतृत्व में ही हो रहा था। घटना से हमारे राज्य के युवाओं में और उग्र रूप धारण हो चुके, और हमारे राज्य के युवा लोग आगे हैं और हमारे राज्य के हित में काम करने लगे, राज्य के लोगों को समझाने लगे। और ये क्रांतिकारी तब तक चली जब तक कि हमारे राज्य में जो भुखमरी खत्म ना हुई, फिर हमारे राज्य को एक अलग मोड़ पे ना ले आया, हमारे राज्य जो अलग राज्य बनाने का जो निर्णय था, जो क्रांति एक अलग मोड़ पे आ गया, सरकार को विवश करने पे तुले थे। पर बोलते ना, समय बदलते रहता है, या समय का दौर है। और उससे पहले जब निर्मल महतो को पता चला, निर्मल महतो जो ये काम किया, तब उन्हें तो लगा ना कि ये जो काम है, ये काम किसके द्वारा हुआ, यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन के तहत लगा, स्टूडेंट यूनियन के कारण लगा। तो स्टूडेंट यूनियन के कारण लगा, इसीलिए उस वक्त उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था आजसू। और उस पार्टी के गठन में निर्मल महतो का बहुत ही बड़ा योगदान था, और उस पार्टी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया सिंह बिस्सा जी को। और वह पार्टी अभी भी है, और उस पार्टी को अभी हम लोग आजसू के नाम से जानते थे। और उस पार्टी का अध्यक्ष अभी कौन है, सिल्ली विधानसभा के सुदेश महतो जी, और अभी उस आजसू पार्टी को वो चला रहे हैं, उनका अध्यक्ष अभी वो है। जब झारखंड राज्य अलग आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच ही गया था, तब एक बहुत बड़ी घटना घटी जिससे हमारे चारों शोक की लहर फैल गई, चारों दुख की लहर फैल गई। आप लोग हम बता देना चाहते हैं कि निर्मल महतो का हत्या कब, किसने और कैसे किया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1987 की सुबह जब निर्मल महतो और उनके साथी सूरज मंडल और उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जब जमशेदपुर के चमरिया बिष्टपुर स्थित गेस्ट हाउस से निकल रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के पश्चात ही कुछ देर बाद निर्मल महतो के ऊपर एक शख्स ने लगातार 3 गोली दाग दी, और एक गोली उनके मुंह पे लगी, दूसरा गोली पीठ पे, तीसरा उनके छाती पे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उसी स्तर पर निर्मल महतो ने अपने प्राण गंवा दिए, और उनके आत्मा उनका देह को छोड़ कर चले गए। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उनका जो ये जो हत्या किया गया, ये एक राजनीतिक साजिश था, और जिसे के दो राजनीतिक पार्टी के बीच मुठभेड़ के नाम पर इस केस को क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्योंकि उस समय का तत्कालीन सरकार कौन था, बिहार सरकार था। और इस केस को अगर उस टाइम अगर अच्छा से केस को स्टडी किया जाता, अगर इस केस को खोला जाता, तो अनेकों राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं का
चेहरा सामने आता और वो अभी शायद जेल में होते हैं या फिर उनके हाथ में हथकड़ी होती, यही वजह कि उस केस को बंद कर दिया गया और झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी उस केस को नहीं खोला गया, क्योंकि यही से पता चलता है ना, अगर बिहार के अगर बिहारी सरकार में अगर कोई ऐसा घटना घटाया था, अगर वो अगर ऐसा करता तो उस केस को तो हम लोग इस टाइम खोलते, अगर इस टाइम अगर यहाँ के कुछ लोग ऐसा करते या फिर इसे पता चला कि मिली भगत होगा, और यही वजह है कि उनका केस अभी तक बंद है। और इसी केस को आगे बढ़ाने का कौन कोशिश करेगा, क्योंकि उनका परिवार में जो सदस्य थे, क्योंकि उनका तो सारा परिवार ही हमारे इस समाज के हित में अपने जान को निछावर कर दिए, आप लोगों को वीडियो को पहले ही बता दिए थे, तो नमन करते हैं ऐसे वीर सपूत को, नमन करते हैं ऐसे हमारे समाज के मसीहा को। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ हम लोग निर्मल ला के मसीहा बोलेंगे, वे लोग जो हमारे समाज के हित के लिए काम करते हैं, समाज के लोगों के हित के लिए काम करते हैं, उन्हें हम लोग मसीहा बोलेंगे। तो इस तरह से नेता हमारे इस क्षेत्र में जन्म लेना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं जय झारखंड, खतनी जोहार, झारखंड जोहार। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग झारखंड की इसी माटी के हैं और इसी माटी के बच्चे हैं, और यहीं से अगर ऐसा क्रांतिकारी का जन्म होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमें उन लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत को गलत बताया, सही को सही बताया, और वह हमेशा सच्चाई के पथ पर चले, और हमारे राज्य को जो अलग राज्य बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आप लोगों को बता देना चाहते हैं उनका हत्या ही सबसे बड़ा कारण था कि हमारा राज्य अभी अलग हुआ, क्योंकि उन्हीं के हत्या के बदौलत, उन्हीं के जान के बदौलत ही आज हम लोग स्वतंत्र रूप से झारखंड के निवासी हैं। पर हमारे झारखंड अभी भी बोलें तो अलग है, पर यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टी लोग मिलकर हमारे झारखंड का भी और गुलाम करने के लिए करने जा रहा है। तो हम लोगों को समाज के लोगों को समझना होगा इन चीज़ों को, और निर्मल रखकर जैसा ही अनेकों निर्मल हर घर से हम लोग का निकलना होगा, ताकि हम लोग उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें और हमारे राज्य को एक स्वतंत्र संपूर्ण राज्य बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगला वीडियो में एक अलग क्रांतिकारी के साथ, अलग क्रांतिकारी की जीवनी के बारे जानेंगे, उनके जीवन के बारे जानेंगे, जीवन परिचय करेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, खतनी जोहार।